मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। सुबह आँख खुलते ही ये हमारे हाथों में आ जाता है और सोने तक हमारी उंगलियां इस पर चलती रहती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये आदत या एक लत की तरह हो गया है। सभी जानते हैं कि मोबाइल के कई तरह के नुकसान हैं, लेकिन अब जो एक रिसर्च आई है उसके मुताबिक मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले युवाओं के सिर में सींग निकल रही हैं। सिर के स्कैन में इस बात की पुष्टि भी हो गई है। ये जानकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी। मोबाइल हमारे शरीर के अंदर अस्थि पंजर को भी बदल रहा है। बायोमैकेनिक्स यानी कि जैव यांत्रिकी पर किए गए एक शोध में ये जानकारी सामने आई है कि सिर को ज्यादा झुकाने की वजह से युवा अपनी खोपड़ी के पीछे सींग विकसित कर रहे हैं। शोध की माने तो मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने वाले युवा, खासकर जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है, वो इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस शोध को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित सनशाइन कोस्ट यूनिवर्सिटी में किया गया है। शोध के अनुसार आमतौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करते वक्त लोग अपने सिर को लगातार आगे पीछे की तरफ हिलाते हैं। ऐसे में गर्दन के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हड्डियां बाहर की तरफ निकल जाती हैं, जो किसी सींग की तरह दिखती हैं। ऐसा सिर पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण हो रहा है। रीढ़ की हड्डी से वजन के शिफ्ट होकर सिर के पीछे की मांसपेशियों तक जाने से कनेक्टिंग टेंडन और लिगामेंट्स में हड्डी का विकास होता है। परिणाम स्वरूप एक हुक या सींग की तरह की हड्डी बढ़ रही है, जो गर्दन के ठीक ऊपर की तरह खोपड़ी से बाहर निकली हुई है। वॉशिंगटन टाइम्स की खबर के मुताबिक खोपड़ी के निचले हिस्से पर इस कांटेदार हड्डी को देखा जा सकता है। यह हड्डी किसी सींग की तरह दिखती है। डॉक्टरों के मुताबिक हमारी खोपड़ी का वजन करीब 4.5 किलोग्राम होता है, यानी एक तरबूज के बराबर। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्मार्टफोन और इसी तरह के दूसरे डिवाइस मानव कंकाल में तब्दीली ला रहे हैं। यूजर को छोटी स्क्रीन पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए अपने सिर को आगे झुकाना पड़ता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि तकनीक का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का यह अपने तरह का पहला डॉक्यूमेंट है। शोधकर्ताओं का पहला पेपर जर्नल ऑफ एनाटॉमी में साल 2016 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 216 लोगों के एक्सरे को बतौर उदाहरण पेश किया गया था, जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। शोध में कहा गया कि 41% युवा वयस्कों के सिर की हड्डी में वृद्धि देखी जा सकती है, जो अगले लगाए गए अनुमान की तुलना में बहुत ज्यादा है। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक है। इसी तरह एक दूसरा पेपर साल 2018 में पेश किया गया, जिसमें 4 टीनेजर्स को बतौर केस स्टडी लिया गया था। शोध में कहा गया कि इन टीनेजर्स के सिर पर सींग आनुवांशिक नहीं बल्कि खोपड़ी और गर्दन पर पड़ रहे दबाव की वजह से थी। इस पेपर से महीना भर पहले प्रकाशित की गई शोध रिपोर्ट में 18 साल से लेकर 86 वर्ष तक के 1200 लोगों के एक्सरे को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि 33% लोगों में सींग जैसी हड्डी के विकसित होने की बात सामने आई है। अमर उजाला .com